93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। ये इंजीनियरिंग कॉलेज नया खुला था, वो भी इस छोटे से कस्बे में, शहर की भाग दौड़ से दूर, जहां ठीक से बिजली भी नहीं आती थी। वहां पर एक नया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ना सिर्फ शहर से यहां एक नई सोच लाता, बल्कि एक रास्ता भी बनाता छोटे शहर से बड़ी दुनिया की ओर। यहीं इस साल पहला इंजीनियरिंग का बैच, एडमिशन और फ्रेशर्स पार्टी वगैरह के बाद एक दिन जब सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो चश्मिश कह के चिढ़ाए जाने वाला दब्बू सा शिवम आके खेलने की जिद करने लगा। उसे खिलाया तो गया, लेकिन सिर्फ फील्डिंग करवाने को। एक शॉट लगा तो बॉल जाकर सीधा उस घर के अंदर गिरी, जो कॉलेज के मैदान के ठीक जरा सा ही बाहर था। शिवम को इशारा किया गया कि जा बॉल लेकर आ जाए, पर वो अकेले जाने को कतई तैयार नहीं था, लिहाजा उसके साथ विकी भी गया। दोनों ने पहले बाहर ही गेंद ढूंढी, लेकिन वहां मिली नहीं तो अंदर गए। अंदर घुस के उन्होंने खुद को एक बड़े से कमरे में पाया, जो बाहर की चिलचिलाती धूप और भयानक गर्मी में भी बेहद सुकून देने जैसा ठंडा था। विकी ने इधर उधर बॉल को ढूंढा और ढूंढते हुए ऐसे ही एक धुन सीटी की बजाई। और विकी के रुकते ही विकी ने सुनते ही शिवम से कहा, ए चश्मिश, तूने सुना? शिवम ने पलट के पूछा, क्या? विकी ने फिर सीटी बजाई। और आंखें बड़ी बड़ी करके उंगली उठाकर शिवम को कान खोलकर सुनने का इशारा करके धीमे से कहा, ये सुन, मेरी सीटी कैसे पलट के कोई बजा रहा है। सीटी एक बार फिर गूंजी और विकी ने शिवम से कहा, मैंने इस मकान के बारे में सुना है कि यहां काफी साल पहले एक ऐसी औरत रहती थी जिसका उसके पति को मारने के बाद यह मकान उससे छीन लिया गया था, और जब उसके 18 साल के बेटे को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, तो उसने इसी मकान में आत्महत्या करके कहा कि वो हमेशा यहीं रहेगी अपने बेटे के साथ। शिवम ने विकी की पूरी कहानी सुनी और फिर हंसते हुए कहने लगा, अरे विकी भैया, आप भूत प्रेतों की कहानी बहुत गजब बनाते हैं, बॉल ढूंढिए वरना लड़के हम लोगों को भूत बना देंगे बाहर। शिवम की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक आवाज दोनों ने सुनी, फिर से विकी शिवम से बोला, चश्मिश, अब भी नहीं सुना तूने कुछ? उस कमरे से आवाज आती हुई सुनी कि नहीं? शिवम ने कहा, विकी भैया, आवाज तो हमें भी आ रही है। विकी ने उसके बाद कुछ बोला नहीं, लेकिन डरते डरते उस कमरे की ओर दबे कदमों से बढ़ने लगा। अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, ना ही वहां उसे शिवम दिखाई दे रहा था और ना ही कमरे में कोई खिड़की जिससे बाहर की कोई रोशनी अंदर आ रही हो। विकी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर झांकने गया,
तो किसी ने उसे जोर का एक धक्का मारा और वो सीधा कमरे के अंदर गिरा। दरवाजा उसके पीछे से वैसी ही आवाज करता हुआ बंद हुआ। विक्की बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा और उसी के बीच में उसकी आवाज को एक दम से चुप करवाती हुई एक आवाज विक्की के कानों में गूंजी। शोर मत मचाओ यार। विक्की तुरंत चुप हो गया और उसने शिवम से कहा, अबे तूने कुछ सुना? इसका जवाब देने का तरीका सुनकर विक्की तो जैसे आसमान से गिरा। शिवम ने उससे कहा, देखो विक्की भैया, हम बहुत डरते हैं भूत प्रेतों से। रात को ना हम अकेले नहीं सो पाएंगे तो तुम्हारी भी नींद हम खराब कर देंगे, बताई दे रहे हैं। बाउल हमको मिल गई है, अब चलो यहां से। फर्जी में हमको डराइए मत, समझे? शिवम बॉल को हाथ में लिए हुए वहां से बाहर निकला और पीछे पीछे विक्की भी। बाहर आकर दोनों ने देखा कि अंधेरा हो चुका था, सारे लड़के वापस जा चुके थे। विक्की अपने हॉस्टल के रास्ते निकल पड़ा और शिवम अपने रास्ते हो लिया। देर रात खाने पीने के बाद रोज की तरह विक्की पढ़ने बैठा तो कुछ पढ़ते पढ़ते उसने उसको रट्टा मारना शुरू किया और रट्टा मार के पढ़ते पढ़ते विक्की के कानों में एक बार फिर वही आवाज साफ साफ सुनाई दी। कहा था ना, शोर मत मचाओ। विक्की तुरंत पलटा लेकिन उसके पीछे या अगल बगल कोई नहीं था। विक्की जानता था कि उसे कोई वहम नहीं हुआ था, उसने सचमुच कुछ सुना था, किसी के कुछ बोलने की एक हवा सी अपने कानों पर उसने महसूस भी की थी। लेकिन नई जगह थी और शाम को उस घर से निकलने के बाद से ही कुछ अजीब सा लग रहा था उसे, तो शायद ये सब कुछ उसका वहम भी हो सकता था। वापस पलटकर जब किताब की ओर देखा तो एक लाइन उस नई किताब जिसमें कहीं कोई दाग नहीं था अंडरलाइन की हुई थी और उस लाइन में लिखा था, इट इज ग्रेविटी बिकॉज ऑफ विच एनीथिंग दैट गोज अप कम्स डाउन। विक्की थोड़ा गुस्साया और काफी चिढ़ा हुआ था, नींद आ नहीं रही थी उसे। उसने सामने पड़ी हुई बॉल उठाई और उछालने लगा। बॉल ऊपर उछाली और ग्रेविटी वाली बात बोलते हुए वापस कैच करके हंसने लगा। इट इज ग्रेविटी बिकॉज ऑफ विच एनीथिंग दैट गोज अप कम्स डाउन। उसने फिर बॉल उछाली और कैच किया, फिर से बॉल उछाली लेकिन इस बार बॉल वापस नीचे नहीं आई। विक्की ने इधर उधर देखा, बॉल कहीं नहीं दिखी। विक्की झुक करके नीचे बॉल ढूंढ ही रहा था जब एक बार फिर उसके कानों के पास वही आवाज आई, शोर हो रहा है, खेलो मत यहां। विक्की की रगों में दौड़ता खून बर्फ सा बन गया था। वो चादर सर तक ओढ़कर मुंह ढककर चुपचाप लेट गया और चादर के अंदर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी लेकिन इन सांसों की आवाज के बीचों बीच एक आवाज और गूंजी, वो बॉल जो अभी तक नीचे नहीं गिरी थी वो अब नीचे गिरी।
बॉल के नीचे गिरते ही विकी अब खुद को रोक नहीं सकता था। वो उठा और बाहर भागने को सीधे दरवाजे पर गया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद दरवाजा खोला नहीं। और तभी कुछ अजीब सा हुआ। विकी का दिमाग, उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहा। उसका पूरा बदन ठंडा सा पड़ गया। वो चाह कर भी खुद की मर्जी से अपनी आंखें भी इधर उधर हिला नहीं पा रहा था। विक्की जैसे किसी के इशारों पर किसी मशीन की तरह वापस पीछे पलटा और धीमे धीमे चलता हुआ चुपचाप अपने बिस्तर तक आकर लेट गया। आकर चादर ओढ़ के एक बार फिर सर तक खुद को ढक कर लेट गया और अब चादर के अंदर जैसे वापस होश में आया और चादर के अंदर सिर्फ सांसों और हल्की सी धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ऐसे ही लेटे हुए विक्की ने उस अंधेरे कमरे में एक हल्की सी आवाज सुनी। पतली सी चादर के अंदर अंधेरे कमरे में साफ दिखाई दिया कि किसी ने टॉर्च चलाई और विक्की ने चादर के अंदर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अंधेरे में बंद आंखों से भी उसे समझ में आया कि वो टॉर्च की रोशनी धीमे धीमे उसके पैरों से सर तक आई और फिर कुछ देर वहीं रह के वापस पैरों तक चली गई। घड़ी में बीतता हुआ एक एक सेकंड भी सालों जैसे लग रहा था कि उसी वक्त उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि सारे दोस्तों की आवाज एक साथ सुनाई दी उसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। विक्की को अब समझ आया कि उसको कैसे बेवकूफ बना के सबने उसको परेशान किया और वो चादर हटाता हुआ बोला, अरे यार तुम सबने मेरी जान। अपनी बात विक्की पूरी भी नहीं कर पाया क्योंकि कमरे में विक्की के अलावा और कोई नहीं था। विक्की सब कुछ भूल कर उठा और अपने कमरे से बाहर भागा और इस बार दरवाजा एक झटके में खुल गया, लेकिन बाहर सारे दोस्त सचमुच खड़े थे, लेकिन सबके मुंह हैरत से खुले थे क्योंकि दरवाजा अपने आप खुलता देखकर सबके सब हैरान थे। विक्की ने उनके चेहरे देखे और फिर पलटकर कमरे में देखा तो बिस्तर पर विक्की की खुद की लाश पड़ी थी। ये सब कुछ टाइप करके साहिल ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद एक अंगड़ाई ली और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू होने के लगातार दूसरे साल में विक्की और उसके बाद शैलेश की मौत की कहानी लिखने के बाद सोचा कि अब ये रिपोर्ट जब सबके सामने आएगी तो तहलका तो मचेगा ही, लेकिन सवाल एक ही था जो उसे परेशान किए हुए था कि आखिरकार यह सब हुआ क्यों था उन दोनों के साथ।
सिर्फ बॉल लेने उस घर में घुसे तो क्यों कोई भी आत्मा या कुछ और उन दोनों को मारेगा। दोनों जब बॉल लेने गए थे तो उनके साथ दोनों ही बारी शिवम था और उसी ने दोनों की यह पूरी कहानी साहिल को बताई थी। अब शिवम की बताई हुई सारी बातें वैसी की वैसी लिख तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक चीज थी जिसके लिए उसे अजीब लग रहा था कि कुछ शायद कहीं ना कहीं बाकी रह गया है। साहिल लेटे लेटे सोच ही रहा था जब लाइट्स ऑफ हो गई। कॉलेज गेस्ट हाउस के कमरे का पंखा धीमे धीमे चरमराता हुआ बंद हुआ और साहिल दरवाजा खोलने को बिस्तर से उठकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाजे की कुंडी ढूंढने को साहिल दरवाजे पर हाथ चलाने लगा, लेकिन उस पर कुंडी थी ही नहीं। और उसी वक्त एक आवाज ने साहिल के कानों में आकर धीरे से कहा, शोर मचाना ताकि मैं तुम्हारा शोर हमेशा के लिए बंद कर सकूं। साहिल तुरंत उछलकर सीधा बिस्तर पर चादर ओढ़कर खुद को उसमें समेटे वहीं पर लेट गया और उस अंधेरे में सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज हुई, एक टॉर्च ऑन हुई और उसकी रोशनी में किसी ने साहिल के सर से पैरों तक लाइट मारी और फिर पैरों से उसके सर तक। साहिल के कानों में एक और आवाज आई, उन दोनों ने मेरे घर में पैर रखा था और अब तुमने भी, तो अब तुम्हारी बारी है। विकास को ये बात सुनने के बाद अपनी जिंदगी के इन आखिरी पलों में सब कुछ समझ आ गया। शिवम उन दोनों लड़कों के साथ उस घर में घुसा था और साहिल के साथ भी। शिवम ही साहिल के पास खुद उसे पूरी बात बताने आया और शिवम या कोई भी इंसान कहानी सिर्फ वहीं तक बता सकता था जहां विक्की या वो दूसरा अपने रूम तक पहुंचा था। लेकिन उसने पलट कर अपनी लाश देखी, ये तो सिर्फ खुद कोई आत्मा ही बता सकती थी। साहिल वहां से चीखता हुआ बाहर दरवाजे को जोर की आवाज से तोड़ता हुआ निकला और कॉरिडोर में पागलों की तरह भागता रहा। लेकिन दूसरी तरफ से लोग आते रहे और अचानक साहिल ने देखा उसके कमरे के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा थी। वापस धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाकर साहिल ने देखा तो पाया कि उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी थी, चादर में लिपटी हुई। टाइपराइटर के कागज हवा में फड़फड़ा रहे थे और एक टॉर्च जमीन पर पड़ी इधर से उधर लुढ़क रही थी। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी थी। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।